नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जैन चौधरी और आप देख रहे हैं जेके एडुटेक। आज की इस वीडियो में मैं एक धमाकेदार न्यूज आपको बताने वाला हूं। सारे वीएलई वाले जिनके पास भी सीएससी सेंटर की आईडी है वो भी अलर्ट हो जाएं, क्योंकि सीएससी ने एक नोटिफिकेशन अलर्ट किया है। अगर इसको आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका सीएससी आईडी जो है बंद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने डीजीमेल को लॉगिन कर लेता हूं। देखिए यहां पर मैंने डीजीमेल में अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के साइन इन पर क्लिक कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहां पर जाएंगे मेल में और इनबॉक्स के अंदर जो नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग डिजिटल सेवा पोर्टल, तो इस पर जो है क्लिक कर देंगे। अब इस साइड में देखिए यहां पर जो है नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। इसमें लिखा हुआ है दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट पोस्ट 15 जनवरी 2018 इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द वीएलई टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस ऑफ एटलीस्ट 1000 इन देयर रेस्पेक्टिव डिजिटल सेवा पोर्टल। प्लीज नोट ऑल द अकाउंट विद द मिनिमम बैलेंस ऑफ लेस देन 1000 वुड बी डीएक्टिवेट एज पर कंप्लेंस। एंड इसका मतलब सीएससी की तरफ से जो ये डिजिटल मेल में जो ईमेल आया हुआ है, इस मेल में बताया गया है कि अगर आप अपने सीएससी पोर्टल यानी डिजिटल सेवा आईडी के वैलेट में 15 जनवरी 2018 तक आपको मिनिमम जो है 1000 रुपये मेंटेन करना है। अगर 1000 से कम होता है तो आपकी जो सीएससी आईडी है डिजिटल सेवा पोर्टल की वो जो है डीएक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है 15 जनवरी 2018 तक का समय है। अगर 15 जनवरी 2018 तक आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल की वैलेट में अगर 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपकी जो सीएससी की जो आईडी है वो जो है डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो प्लीज अभी आपके पास टाइम है, आप जल्दी से अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के वैलेट में मिनिमम जो है 1000 सबमिट करके अपना सीएससी आईडी को डीएक्टिवेट होने से बचाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगे तो प्लीज लाइक कीजिए हमारे जेके एडुटेक चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास आसानी तक मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।